हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पूर्णिमाज रूप मंत्रा में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके लिप्स को ब्राइट और सॉफ्ट बनाएगी और लिप्स से डेड स्किन को रिमूव करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडी बनाना। फर्स्ट रेमेडी यहाँ मैं शहद से बनाऊँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच शहद। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और 5 से 7 मिनट तक अपने होठों की इससे मसाज कीजिए। उसके बाद होठों को ताज़े पानी से धो लें और नारियल तेल से हल्की सी मालिश करें। इससे आपके होठ सॉफ्ट हो जाएंगे और सारी डेड स्किन निकल जाएगी। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन के सांवलेपन को दूर करके उसको ब्राइट बनाती हैं। तो चलिए अब दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। इस रेमेडी में हम ग्लिसिन का यूज़ करेंगे। ग्लिसरीन हमारे होठों को सॉफ्ट बनाएगी और उनको फटने से बचाएगी। तो यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो टैन को साफ करता है और हमारी स्किन को निखारता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल। अब इन तीनों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। आप इस लिक्विड को 15-20 दिन के हिसाब से ज़्यादा भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसे किसी शीशी में भरकर फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और डेली इसका यूज़ कीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपके लिप्स एकदम ब्राइट और सॉफ्ट हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे कॉटन की सहायता से 5-7 मिनट तक अपने लिप्स पर लगाइए। उसके बाद गुलाब जल से साफ़ कर लीजिए। तो आइए थर्ड रेमेडी देखते हैं। इस रेमेडी में हम एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल और इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स करेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के साथ साथ किसी भी तरीके के घाव को भरने के गुण भी पाए जाते हैं। वहीं विटामिन ई मॉइस्चर को बनाए रखता है। मिक्स करने के बाद एक कॉटन की सहायता से आप इस लिक्विड को अपने होठों पर लगाइए और 5-7 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद दूसरी कॉटन में गुलाब जल लेकर इसे साफ कर लीजिए और फिर 2 बूंद नारियल तेल लेकर आप अपने लिप्स पर लगा लीजिए। आप अपनी स्किन नेचर के हिसाब से किसी भी रेमेडी का यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी के यूज़ से आपको 1 वीक में ही फ़र्क नज़र आने लगेगा और आपके होठ पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।